हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है मैं रोज बता रही हूँ, दिखा रही हूँ इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी अपने के हम कश्मीर में घूमने आए हुए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। तो जो जो चीज यहाँ पे हम देखने जाते हैं वो मैं आपको जानकारी देती हूँ, बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इस टाइम भी देख सकते हो मैं अपने होटल्स के रूम के बालकनी में हूँ। ठीक है, आप इस कश्मीर इस टाइम भी देख रहे हो आप। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अभी हम अपने रूम पे आए हैं। आज हम गए, आप सभी जानते होंगे हजरत बल, कश्मीर में जो हजरत बल है वो मेरे ख्याल में हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई भी सभी जानते होंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि दोस्तों हमने जो कल वहां पर देखा, आज हमने जो वहां पर देखा, वहां पर जब हम जियारत कर रहे थे अपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल की, तो वहां पर दोस्तों हमने, क्योंकि कश्मीर में दोस्तों जो भी जाते हैं सैलानी वो हर सभी होते हैं, समझ गए, हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों हमने वहां पर भी देखे, हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई हमने वहां पर भी देखे, और वो भी ऐसे ही ज्यारत कर रहे थे, मन्नत मांग रहे थे, बैठे थे, और हमने बातचीत भी करी दोस्तों बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों से हमने बातचीत भी करी। तभी हमें पता चला, कह रहे कि हजरत बल सभी आते हैं यहाँ पे, सभी देखने आते हैं जब कश्मीर में आते हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जिन नॉन मुस्लिम बहन भाइयों को जो मेरी वीडियो में है, जिनको नहीं पता कि कश्मीर में हजरत बल क्या चीज है, कैसे क्या है, उनको मैं बता दूं दोस्तों, हजरत बल वो जगह है जहां पर मुसलमानों के यानी कि इस्लाम के जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे नबी, उनका मुबारक बाल उस जगह पर रखा हुआ है, सेफ बिल्कुल और बहुत ही एहतियात के साथ, समझ गए, बहुत ही हिफाजत के साथ में। तो दोस्तों वहां पर वो आजकल जैसे मिलादुल नबी ईद थी ना, कल मिलादुल ईद थी ना, तो दोस्तों वो आजकल के दिनों में वो रोज दीदार करवा रहे हैं, और वहां पर इतनी भीड़ आ रही है देखने के लिए, सभी जियारत करने के लिए, समझ गए। तो वहां पर जो मैं दिखाऊंगी आपको बिल्कुल लाइव, जियारत कराऊंगी आपको भी, मैं गई वहां पर दोस्तों आज, समझ गए। और हमने यहाँ पे ये मिलादुल नबी का जुलूस भी देखा कश्मीरियों का। ठीक है, तो दोस्तों जहां जहां हम जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको जहां पर हम जियारत करने गए वो जगह देखें दोस्तों। जब मैं गई दोस्तों, कि मैं बता नहीं सकती आपको कि लाइव में पहली बार ओरिजिनल एकदम से जो पॉजिटिविटी और अंदर से जो इमोशनल एकदम जो ओरिजिनल होता है सबको, समझ गए, अपने आप ही जो मैं वहां पर इमोशनल हुई, और मुझे जो मेरी आंखों में आंसू, और मुझे जो अंदर से जो मेरा वो फूटा, कहते नहीं है कि जो मैं कैसे आपको बताऊं, आप समझ सकते हो कि जैसे मैं एकदम, पता नहीं, मैं मुझे ऐसा लगा दोस्तों जब मैं वहां पर मतलब कि जियारत कर रही थी, सारी की सारी वहां पर भीड़ भी बहुत थी दोस्तों, और सभी एकदम उठ गए, और जैसे ही सामने वो बंदा आप देख सकते हो दोस्तों जहां पर अभी देखें आप, ये देखें आपके सामने है, तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये देखें कितनी भीड़ है यहाँ पर, और ये जो सामने आप देख रहे हो ये है हजरत बल, एक जगह कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पर ये मैं खुद ये यहाँ से शूट कर रही हूँ, देख सकते हो आप मुझे भी इस वीडियो में। ठीक है, मैं खुद देख रही हूँ यहाँ पे, और आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, समझ गए दोस्तों, ये देख रहे हो आप यहाँ से कितनी दूर दूर तक बंदे बैठे हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत यार जगह, इतनी खूबसूरत, यहाँ पे सफाई इस कदर की है कि कुछ पूछो मत ना, इतनी सफाई, इतना बढ़िया मौसम, और ये आप देखें सामने जो देख रहे हो यहाँ पर ज्यारत, सब वेट कर रहे हैं कि वो कब यानी कि ज्यारत कराएंगे। एक ऊपर जो आप, मैं अभी आपको, आप भी खुद लाइव देखोगे दोस्तों, ठीक है, जो उनका मुबारक वाल है वो जो देख रहे हो आप दोस्तों, सामने पेड़ के सामने जो मीनार है, ये देखो मीनार पेड़ के सामने, देख रहे हो, सब वीडियो भी बना रहे हैं दोस्तों। ये जो मीनार है ना, इसमें एक शख्स है, जो कोई एक शख्स हैं जो वो आएंगे, और वो शीशे के अंदर उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल है, जो उसमें वो ऐसे बाहर की तरफ देख रहे हो, अब देखो ये देखो सामने, ये दिखा रहे हैं ना, देख रहे हो, ये शीशे में है जो सबको ज्यारत करा रहे हैं, सब देख रहे हैं नीचे, बहुत सारे लोग हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई भी, और सारे जो भी जितने भी सैलानी आते हैं सारे देख रहे हैं दोस्तों। उस टाइम पे मैं, आप समझ नहीं सकते हो कि मेरी क्या फीलिंग थी,
मैं किस कदर के अंदर से पॉजिटिव और इमोशनल, और जो मैं ऐसा लगा मुझे कि मैं दूसरी दुनिया में, देख रहे हो दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में हूँ और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती वो पल मुझे किस कदर के बढ़िया लग रहे थे और मुझे किस कदर के उसमें पल में सुकून था। और मैं इतनी इमोशनल हो गई दोस्तों, मैं एकदम मेरे आँखों से आंसू, मैं कह रही कि मैं, देख रहे हो आप मेरे को, मेरी आँखों से मुझसे रुका नहीं, मतलब मुझे इस कदर का, समझ सकते हो मैं कितनी, मेरी फीलिंग को आप नहीं शायद समझ सकते हो। मैं जब ऐसा लगा, ये देख लो दिखा रहे हैं, देखो कैसा दीदार करा रहे हैं वो अपने हाथ से, दिखा रहे हैं चारों तरफ, और सारी भीड़ दरूद शरीफ पढ़ रही है, सब उठ के खड़े हो गए, सब दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे हैं और सब दुआएँ मांग रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, देख सकते हो ये यहाँ से शीशे में है, समझ गए दोस्तों, शीशे में कांच का कांच है जिसमें से वो उसमें उसके अंदर हिफाजत से है फूल जो है वो बाल जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये देखो दोस्तों, ये जुलूस है कश्मीरियों का, जो ईद मिलादुल नबी का जुलूस जो निकाला, ये जुलूस आप देख सकते हो दोस्तों। ये हमारे यहाँ गोदी मीडिया ही जो है ना, गोदी मीडिया ही नफ़रत फैलाती है, बाकी मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी इन लोगों से, वहाँ पर जितने लोगों से हमारी बातचीत होती है जो भी है, सब यार ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश को सब प्यार करते हैं, हमारे देश सबका हमारा देश सांझा देश है सबका, सब हमारे देश में मोहब्बत प्यार से रहना चाहते हैं। ये गोदी मीडिया ही नफरत फैलाती है, फालतू बातें करती है, बाकी हमने तो किसी से कोई बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं सुनी, समझ गए, हमने सब ऐसे मतलब कि वहाँ पर बस समझ गए, सब सुकून ही सुकून, बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं है जिधर हम थे।